और चलिए शुरुआत कर लेते हैं स्पीड न्यूज की सुपर फास्ट खबरों के साथ। विधानसभा में किसान कर्ज माफी का मुद्दा गूंजा, बीजेपी विधायकों ने वेल में आकर की नारेबाजी और उसके बाद किया वॉकआउट। तो न्यूनतम आय और सदन की पटल पर रखा गया परीक्षा भर्ती में अनुसूचित साधनों की रोकथाम के संशोधन विधेयक। पीएम मोदी ने पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल की दी सौगात, विपक्षी दलों की एकता को बताया कट्टर भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन, कहा इनका एक ही एजेंडा, न खाता न बही, जो परिवार कहे वही सही, इनसे रहें सतर्क। बेंगलुरु में 26 विपक्षी पार्टियों की बैठक शुरू, नए अलायंस और नेता के नाम पर चर्चा, सोनिया या नीतीश को चेयरपर्सन बनाए जाने की अटकलें। एनडीए की आज दिल्ली में बैठक, 38 दल होंगे शामिल, नड्डा बोले यूपीए भानुमति का कुनबा, घोटालों का टोला, हमारा गठबंधन लोगों की सेवा के लिए। मोदी सर ने मानहानि केस मामला, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की अर्जी की मंजूर, 21 जुलाई को होगी मामले पर सुनवाई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, पुंछ में 4 आतंकियों को किया ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। चिराग पासवान और पशुपति पारस आमने सामने, एनडीए की बैठक से पहले दोनों के बीच बयानबाजी, पशुपति पारस ने कहा कि हाजीपुर से लड़ने पर साफ कर चुका। उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी, मसूरी के कैंपटी में भारी में फंसी गाड़ियां, मसूरी क्षेत्र में बीते 24 घंटे से जमकर हुई बारिश। दिल्ली में यमुना अभी भी खतरे के निशान से ऊपर, यमुना का जलस्तर बढ़कर 205.81 मीटर, सुबह 5 बजे तक यमुना का जलस्तर 205.81 मीटर। दिल्ली में आई यमुना की बाढ़ से कई बीमारियों को दिया बुलावा, जुलाई महीने में बढ़े डेंगू के मरीज और अब तक 43 डेंगू केस आए सामने। सीकर में अपहरण के बाद युवक की नृशंस हत्या, हाथ पैर बांधकर रेलवे की पटरी पर फेंका, लेनदेन के विवाद में झुंझुनू के युवक, बानुड़ा गांव के 2 लोगों ने किया था अपहरण। अजमेर में भाजयुमो का हल्ला बोल, भाजयुमो राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या सभा में शामिल, पेपर लीक और भ्रष्टाचार के मसले पर आरपीएससी का किया रंगे घेराव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 27 जुलाई को आएंगे मरुधरा, सीकर में मोदी जनसभा को करेंगे संबोधित, पहले नागौर के खरनाल में होनी थी प्रधानमंत्री की सभा। विपक्षी एकता की बैठक का दूसरा दिन, सीट बंटवारे और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर होगी चर्चा, सोनिया या नीतीश बन सकते हैं संयोजक। छोटी काशी में पुष्य नक्षत्र पर कई धार्मिक आयोजन, मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर में गणेश जी का किया गया पंचामृत अभिषेक, मंदिर में दर्शनों के लिए उमड़े श्रद्धालु। मोदी सर ने मानहानि केस मामला, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की अर्जी की मंजूर, 21 जुलाई को होगी मामले पर सुनवाई। बेंगलुरु में सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ पोस्टर, चालुक्य सर्किल सहित अन्य जगहों पर लगाए गए पोस्टर, पोस्टर पर लिखा द अनस्टेबल प्राइम मिनिस्टर कंटेंडर, पोस्टर किसने लगाया साफ नहीं। सीमा हैदर के पास मिले 2 पासपोर्ट, सीमा के पहचान पत्र की जानकारी भी आई सामने, सीमा हैदर पर पाकिस्तानी जासूस होने का शक, बिना वीजा पाकिस्तान से भारत आई है सीमा हैदर। हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्कू ने की बढ़ोतरी, आपदा प्रभावित की मुआवजा राशि में बढ़ोतरी, 7 से 15 जुलाई तक प्रभावित को मुआवजा राशि बढ़ाई, बाढ़ बादल फटने और भूस्खलन से प्रभावित को मिलेगी सहायता। हिमाचल कैबिनेट की बैठक 25 जुलाई को होगी, 25 जुलाई को दोपहर 12 बजे से होगी बैठक, सचिवालय शिखर सम्मेलन में होगी बैठक। महाराष्ट्र राज्यपाल रमेश बैस ने मुंबई में किया निरीक्षण, आईएनएस विशाख्यापत्तनम, आईएनएस वेला का किया निरीक्षण, वाइस एडमिरल संजय भल्ला, कमांडिंग ऑफिसर अशोक राव रहे मौजूद। नोएडा में रास्ते सस्ते टमाटर बेचेगी समाजवादी पार्टी, नोएडा महानगर इकाई ने किया ऐलान, 50 रुपए किलो के हिसाब से जनता को दिया जाएगा टमाटर। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ओमन चांडी का निधन, देर रात बेंगलुरु में ली अंतिम सांस, केरल के 2 बार मुख्यमंत्री रहे चांडी, लंबे समय से थे बीमार। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ओमन चांडी का निधन, चांडी को श्रद्धांजलि देने सोनिया राहुल पहुंचे उनके घर, तो पीएम मोदी ने ट्वीट कर जताया शोक। शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान इस साल जोया अख्तर के निर्देशन में बनने वाली फिल्म द आरशी से बॉलीवुड में करने जा रही एंट्री। जयपुर में सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक विभाग और कारागार विभाग मंत्री टीकाराम जूली राजस्थान विधानसभा के 15वीं विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई में रहे मौजूद। उदयपुर में हर वर्ष की तरह इस बार भी ऐतिहासिक और पारंपरिक हरियाली अमावस्या मेले का आगाज हुआ, शहर के फतेह सागर पाल और सहेलियों की बाड़ी में लगने वाले 2 दिवसीय मेले में दूर दराज से आए युवाओं ने टोली ने जमकर डोलर चक्री और चटपटे व्यंजनों का लुत्फ उठाया, वहीं शहर और ग्रामीण क्षेत्र से आए लोगों ने मेले में गृह सज्जा की सामग्री की जमकर खरीदारी की।
रूसल के निकटवर्ती श्री हरिदास बाबा गोशाला पेरमड़ी में सावन मास के सोमवती अमावस्या के शुभ अवसर पर गोमाता को 17 क्विंटल हरी घास डाली गई और गोशाला का अवलोकन किया गया। परमहंस ग्रुप सीकर राजस्थान के अध्यक्ष व लूसल व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष सुरेश कुमार शेषमा की ओर से अवलोकन किया गया। भरतपुर की पॉक्सो कोर्ट संख्या एक ने 12 साल की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा सुनाई और 50,000 का जुर्माना लगाया गया। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में सरमथुरा रोड पर राम सहाय ढाबे के पास एक 8 फीट के अजगर सांप निकलने के बाद हड़कंप मच गया। अजगर को देखने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। इस दौरान लोगों ने वन विभाग को सूचना दी। करीब एक घंटे बाद वनपाल राजवीर की सूचना पर रेस्क्यू टीम पहुंची और रेस्क्यू किया गया। धौलपुर से करौली होकर दूसरा को जोड़ने वाली NH 11B पर दुर्घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा हाईवे पर जर्जर अवस्था में और उस पर घूम रहे आवारा गोवंश और पशु लगातार दुर्घटनाओं में इजाफा हो रहा है। सड़क पर मौजूद आवारा गोवंश के झुंड ने बाइक सवार मां बेटे को घायल कर दिया। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ थाना इलाके में गोपालपुरा गांव निवासी एक विवाहिता की इलाज के दौरान मौत हो गई और इस मामले को लेकर मृतका के पीहर पक्ष की ओर से ससुराल पक्ष के खिलाफ प्रताड़ना के आरोप लगाते हुए थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। भवानी मंडी के भवानेश्वर महादेव मंदिर में भव्य झांकी का आयोजन किया गया जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लाइन में खड़ा होकर दर्शन किए। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हरियाली अमावस पर झांकी सजाई गई। अलवर की एक अदालत ने मुंडावर थाना क्षेत्र के मामचंद हत्याकांड मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी को 14,000 के अर्थदंड से भी दंडित किया गया। अलवर में राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में एक बुजुर्ग महिला को भर्ती नहीं करने का मामला सामने आया जहां पर बुजुर्ग महिला ने बेटे ने परेशान होकर अपनी मां के साथ लिया और साथ ही अस्पताल के बाहर रोड पर लेटकर जाम लगा दिया। जाम करीब आधा घंटे तक लगा रहा। इस दौरान वाहनों की लंबी कतार लग गई। अलवर एसीबी न्यायालय ने रिश्वतखोर पटवारी को 3 साल की सजा और 20,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक अशोक भारद्वाज ने बताया है कि परिवादी रामलाल ने एसीबी कार्यालय में आकर शिकायत की थी। अलवर में भाजपा कार्यालय पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष श्रवण कुमार बगड़े ने नहीं सहेगा राजस्थान अभियान को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इसके अलावा नहीं सहेगा राजस्थान के पोस्टर का विमोचन किया गया। दौरान जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता पूर्व विधायक जयराम जाटव भी मौजूद रहे। अलवर के रावली विहार थाना पुलिस ने नाबालिग का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने के आरोपी को सोंक से गिरफ्तार किया है। रावली विहार थाना ने नाबालिग का अश्लील वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी देने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। रामगढ़ तहसील में जमादार के पद पर कार्यरत पदम चंद्र यादव निवासी चोटोरी इस्तमुरार के साथ शातिर बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। एटीएम बूथ से पैसे निकलवाने गए जमादार का एटीएम कार्ड बदल कर खाते को खाली कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के नसवारी गांव में सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में चल रहे निर्माण कार्य को लेकर दर्जनों आक्रोशित ग्रामीणों ने विरोध जताया है। विद्यालय की दीवार में आ रही बड़ी दरारों पर ठेकेदार की मनमानी से लेंटर डालने के ग्रामीणों ने आक्रोश जताया। अलवर के विजयनगर मैदान में हो रही शिव महापुराण कथा सुनने गई महिला का पैर कीचड़ में स्लिप होने से एक पैर फ्रैक्चर हुआ है, जिसके बाद महिला को उपचार के लिए एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल पहुंचाया गया जहां उपचार महिला का जारी है। डिडवाना में लदनिया परिवार की ओर से शीतल कुंड बालाजी श्रीमद में मंदिर में श्रीमद भागवत कथा का आयोजन किया गया। कथा श्री राधा कृष्ण महाराज द्वारा की जाएगी। कथा के पहले दिन दूचराज गणेश मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कथा का शीतलकुंड बालाजी मंदिर आकर समापन होगा। बीकानेर शहर के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। बारिश से शहर की सड़कों पर पानी लबालब हो गया। दिन में उमस के बाद दोपहर में अचानक मौसम का मिजाज बदला और काले बादल आसमान में छा गए। जयपुर से दौसा की तरफ जा रही सीमेंट के कट्टों से भरा ट्रेलर पलट गया। गनीमत रही कि बड़ा हादसा नहीं हुआ। सड़क पर सीमेंट के कट्टे रोड पर बिखर गए। सूचना पर बस्सी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कट्टों को हटवाकर यातायात को सुचारू रूप से चालू करवाया गया। डिडवाना में नगरपालिका और पीडब्ल्यूडी ने फर्स्ट इंडिया न्यूज में खबर चलने के बाद संज्ञान लिया। शहर के मुख्य बाईपास स्थित आरओबी पर लंबे समय से रात में अंधेरा रहता था। अंधेरा होने की वजह से कई बार आरओबी की दीवार से वाहन टकराकर हादसे का शिकार होते थे। संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश देकर आरओबी को लाइटों को तत्काल सुधारने के निर्देश दिए गए। खेतड़ी में बबाई थाना के नोरंगपुरा गांव में शत विक्षत शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बूढ़ के बालाजी मंदिर के पास तिबारे में शव मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया गया।
भीलवाड़ा में मिल मजदूरों का जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ। 26 सदस्यों का दल रीको से रवाना हुआ। मजदूर डीलर्स के दल का अभिनंदन किया गया। झालावाड़ जिले के झालरापाटन तहसील के खानपुरिया पंचायत की सड़कों की हालत खराब हो गई है। ग्रामीणों को गांव जाने के लिए किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से अजमेर में आरपीएससी घेराव का कार्यक्रम है। आरपीएससी के घेराव कार्यक्रम में भाग लेने के लिए डीडवाना से भी भाजपा युवा मोर्चा इकाई के कार्यकर्ता अजमेर के लिए पहुंचे। डीडवाना में लदनिया परिवार की ओर से शीतल कुंड बालाजी मंदिर में 7 दिवसीय श्रीमद भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा में श्री राधा कृष्ण महाराज द्वारा की जाएगी। कथा के पहले दिन दोजराज गणेश मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। और चलिए शुरुआत कर लेते हैं स्पीड न्यूज की सुपर फास्ट खबरों के साथ। गृह मंत्री अमित शाह का सूरतगढ़ दौरा स्थगित। 22 जुलाई को सूरतगढ़ आने का था कार्यक्रम। बाड़ी कस्बे में कायस्थपाड़ा पुलिस के पास अचानक से नशे में धुत होकर आए एक ट्रक चालक ने उत्पात मचाया। इस दौरान ट्रक चालक ने नगर पालिका के कचरा वाहन को क्षतिग्रस्त किया। वहीं डीसीएम गाड़ी को टक्कर मारते हुए सीधे सड़क पर खड़े जानवर में टक्कर मारी, जिससे जानवर की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया। झालावाड़ में पिछले 3 दिनों से बीजेपी जिला अध्यक्ष को हटाने को लेकर राजपूत समाज का धरना प्रदर्शन जारी है। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जिला संगठन प्रभारी छगन महुर को सौंपा गया है। शिरगढ़ क्षेत्र के सोइंतरा गांव में पानी की विकट समस्या को संज्ञान में लेते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वीकृत किए 2 नए नलकूप। ऐसे में शिरगढ़ भाजपा के वरिष्ठ नेता जिला भाजपा महामंत्री जसवंत सिंह इंदा ने गत दिनों में क्षेत्र का दौरा कर जानी थी समस्या। ग्रामीणों ने गजेंद्र सिंह शेखावत और जसवंत सिंह इंदा को आभार जताया। बांसवाड़ा में जैन संत आचार्य कामकुमार नंदी महाराज की हत्या के विरोध में सर्व समाज और जैन समाज ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। शेरगढ़ उपखंड क्षेत्र में माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों की कमी है। उपखंड क्षेत्र में एकमात्र साइंस कॉमर्स और एग्रीकल्चर विषय का विद्यालय, उसमें भी शिक्षकों के सभी पद रिक्त हैं। ग्रामीणों ने शिक्षकों की कमी को लेकर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ उपखंड पर जैन बोल्डिंग में चतुर्मास में सत्संग विराजित दिगंबर जोनाचार्य सुंदर सागर महाराज ने अपने प्रांतकालीन प्रवचनों में धर्म सभा को संबोधित किया। इस सांसारिक जीवन में हर जीव के कामों पर उसके परिणाम निर्भर करते हैं। घाटोल क्षेत्र के विलवा पांडा में NH-56 पर एक तेज रफ्तार सीमेंट से भरा कंटेनर अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलटा। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। अलवर के भैरूड के रहने वाले सीआरपीएफ के एएसआई धर्मवीर यादव का हार्ट अटैक से निधन हो गया। वहीं पार्थिव देह आज पैतृक गांव पहुंचाया और तिरंगे में लिपटे हुए शव को देख परिजनों में कोहराम मच गया। उनका सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बारे में भाजपा ने 18 जुलाई से नहीं सहेगा राजस्थान अभियान की शुरुआत की, जिसको लेकर पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मंडल और बूथ स्तर तक जाएंगे और 1 किलोमीटर तक की पैदल यात्रा करेंगे। इस दौरान साथी सरकार की विफलता और भ्रष्टाचार के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। नागौर के डीडवाना में आदर्श विद्या मंदिर में छात्र छात्राओं को लोकतांत्रिक प्रणाली में मतदान का महत्व समझाने के उद्देश्य से मतदान का आयोजन किया गया, जहां छात्र छात्राओं को लोकतंत्र में होने वाली चुनाव प्रणाली की जानकारी मिल गई।